बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। फ्लाईओवर का काम जारी है, अब इसके ऊपर पोल, स्ट्रीट लाइट के पोल लग रहे हैं, सामने आप देख सकते हैं। और ये देखें जी वीवर्स, स्ट्रीट लाइट के पोल भी साइडों पे लग चुके हैं। अब ये सड़क ऊपर से भी आपको मनाजर दिखा रहा हूँ, तारकवा फ्लाईओवर, नीचे अस्फाल्ट का काम हो रहा है, डबल ट्रिपल लेयर इसके ऊपर लग रही हैं जी अस्फाल्ट की, ये देखें लुक की। तो पहले भी आपको अस्फाल्ट का काम दिखाया था, अब दोबारा से इसके ऊपर लेयर लग रही हैं अस्फाल्ट लुक की, आप देख सकते हैं ट्रिपल लेयर वीवर्स इसके ऊपर लग रही है। तो सड़क ज़्यादा मज़बूत बनेगी और लंबे अरसे तक चलेगी। तो वीवर्स आप देख सकते हैं ऊपर से आपको मनाजर, ये देखें रोड रोलर जो हैं ऊपर चल पड़े हैं और उसको जो अस्फाल्ट का जो काम हुआ है उसको प्लेन कर रहे हैं ऊपर से। अब ट्रिपल लेयर जो लुक की लग रही है इसके ऊपर वो आपको दिखा रहा हूँ, ऊपर से भी आपको काम की सूरत हाल दिखाते हैं, मेरे साथ रहें। व्यूअर्स अस्फाल्ट का काम जारी है, आप देख सकते हैं अभी अस्फाल्ट का काम जारी है। ऊपर से आपको ये साइडों में जो पोल लग रहे हैं पोल भी लगा दिए गए हैं, अब लाइटें इसके ऊपर लगेंगी वो भी लग जाएंगी। तो इसका ऑलमोस्ट व्यूअर्स जो फ्लाईओवर का काम है कंप्लीट हो चुका है। अब इसके ऊपर जो फ्लाईओवर के ऊपर वाली जो सड़क है वो बननी है, उसके ऊपर भी अस्फाल्ट का काम होगा, फ्लाईओवर के ऊपर वाली जो सड़क है। फिर ट्रैफिक भी चल पड़ेगी, अब ये फिनिशिंग का काम हो रहा है, अभी ऑलमोस्ट फ्लाईओवर का काम कंप्लीट हो चुका है, 95% आप कह सकते हैं कि 95% कंप्लीट हो गया। बस अभी जब ये सड़क बन जाएगी, जब ये रोड बन जाएगा तो फिर इसके ऊपर लाइनिंग का भी काम होगा, वाइट कलर का, जो वाइट कलर की लाइनें लगती हैं साइड पर और जो फुटपाथ जो उसके ऊपर बाउंड्रीज के ऊपर लगती हैं पेंट होता है, तो वो उसका काम होगा। अभी आप देख सकते हैं अस्फाल्ट का काम जारी है, आगे भी आपको काम की सूरत हाल दिखाते हैं मेरे साथ। व्यूअर्स फ्लाईओवर के ऊपर वाली जो सड़क है यहाँ पर आपको व्यूअर्स आपको दिखाता चलूँ, नीचे फ्लाईओवर के जो साथ सड़क है उसके सड़क वो तैयार हो रही, वो उसके ऊपर अस्फाल्ट का काम हो रहा है फ्लाईओवर के बिल्कुल साथ, ये देखें ये इसके ऊपर अब अस्फाल्ट का काम मुकम्मल होगा। फिर ऊपर से जो काम है फ्लाईओवर के ऊपर अभी आपको दिखाता चलूँ कि जो पोल के ऊपर लाइटें लगनी है और लाइटों का भी काम आज रात को ही हो जाएगा। तो ये जो अस्फाल्ट का काम है इसका, जो पुल के जो फ्लाईओवर के बिल्कुल साथ सड़क है नीचे उसके ऊपर लुक डाल रहे हैं, अस्फाल्ट का काम हो रहा है। व्यूअर्स जो इस अब्दुल्लापुर वाली साइड से जो सड़क है वो भी बना दी गई है, उसको उसके ऊपर भी अस्फाल्ट का काम हो गया, देखें आप ट्रैफिक चल पड़ी है, ये देखें आप ये जो पुल के साथ अब्दुल्लापुर वाली साइड है वहाँ पर ट्रैफिक चल रही है और वो जो साइडों से जो मरम्मत का काम था वो भी हो गया। अब ये सड़क भी बिल्कुल क्लीन साफ बन गई है, आप देख सकते हैं कितनी साफ सड़क है। नीचे वाली सड़क जो है थी ये साइडों से जो इसके ऊपर पत्थर डाल के आपको स्टोन डस्ट डाल के उसको प्लेन किया गया, अब उसके ऊपर अस्फाल्ट का काम हो गया। ये ट्रैफिक देखें कितनी आसानी से अब लोग गुजर सकते हैं यहाँ से, ये अब्दुल्लापुर वाली साइड से आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से जो सड़क का मरम्मत का काम है वो भी कंप्लीट हो गया है।
पेंट का भी काम जारी है साथ साथ, फ्लाईओवर की जो दीवारें हैं उसके पेंट हो रहा है, उसके ऊपर भी आप देख सकते हैं काम कर रहे हैं वर्कर, तो आप देख सकते हैं पेंट का जो काम है फ्लाईओवर का आज कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके ऊपर जो पेंट दीवारों पे, साइड दीवारों पे पेंट हो रहा है, ये साइडों में जो दीवारें हैं उनके ऊपर पेंट होगा, और ये पोल भी आज ही लग जाएंगे सारे। देखें आगे, यहाँ मैं आपको व्यूवर्स दिखाता चलूँ कि ये नीचे जो पुल के नीचे वाली सड़क भी बन रही है, और वो आगे देखें पोल लग चुके हैं, यहाँ पर पोल लगने हैं अभी तो वो भी लग जाएंगे, और फ्लाईओवर जो जब बन जाएगा तो बड़ी आसानी हो जाएगी, लोग आसानी से जुमरा रोड की तरफ जा सकेंगे। जौन से भी इलाके में जाना है आगे, मंसूराबाद है, सन सिंह का फाटक भी है आगे, मेहंदी मल्ला भी है, निशाताबाद भी है, जौन से भी इलाके में जाना है लोगों का बड़ी आसानी हो जाएगी, वो तारिकाबाद फ्लाईओवर से आसानी से चले जाएंगे जुमरा रोड की तरफ। बाकी आप देखें काम, पेंट का काम जारी है साथ साथ, पेंट भी हो रहा है और इसका जो पोल भी लग रहे हैं, लाइटिंग भी लगना शुरू हो जाएंगी रात को। व्यूअर्स, सड़क जो है, जो ये फ्लाईओवर के साथ जो नीचे सड़क है उसका काम कंप्लीट हो गया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें व्यूअर्स, मैं ऊपर से आपको मनाज़र दिखा रहा हूँ फ्लाईओवर, ये देखें नीचे नीचे जो असफाल्ट का काम हो रहा है आप देख सकते हैं, यहाँ से मुकम्मल हो गया काम। अब आगे जो है उसका स्पार्ट का, जो आगे एंड तक वो जो लुक का काम स्पार्ट का मुकम्मल हो जाएगा, आप देख सकते हैं नीचे। जी तो व्यूअर्स, आपको दिखा रहा हूँ फ्लाईओवर के ऊपर से मनाज़र दिखा रहा हूँ, देखें कितना खूबसूरत फ्लाईओवर ये बन रहा है। अब नीचे से जो काम रहता है वो कंप्लीट हो रहा है जी, अस्फाल्ट का आप देख सकते हैं सामने अस्फाल्ट का काम हो रहा है, ट्रिपल लेयर इसके ऊपर लुक भी डाल रहे हैं। अब इसके सड़क ज़्यादा मजबूत बनेगी और लंबे अरसे तक चलेगी। तो व्यूअर्स, ऊपर से ये जो आपको मनाज़र दिखा रहा हूँ ये फ्लाईओवर के, आप देख सकते हैं नीचे स्पार्क का काम हो रहा है। व्यूअर्स, ये बाउंड्रीज़ का काम भी आज हो जाएगा मुकम्मल, ये बाउंड्रीज़ जो साइड दीवारें ये भी मुकम्मल हो जाएंगी। तो फ्लाईओवर का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, पोल भी लग गए हैं, लाइटें भी लग जाएंगी, तो आपको जब ये रोड बन जाएगा नीचे से वो, तो ऊपर वाला जब ऊपर से भी स्वाल का काम आपको दिखाएंगे फ्लाईओवर के, तो जो ऊपर से भी काम कम्प्लीट हो जाएगा तो फिर ट्रैफिक जो है चल पड़ेगी।
अभी आपको दिखा रहा हूँ ये ऊपर से मनाजर। ये देखें व्यूअर्स, आप सामने देख सकते हैं अब्दुल्लापुर का फ्लाईओवर, जिस किसी ने जाना है जड़ावर रोड की तरफ, सुसाड़ रोड, बीना रोड, बिना रोड, जहाँ जिस इलाके में भी जाना है वो अब्दुल्लापुर फ्लाईओवर से चला जाएगा। ये देखें व्यूअर्स, सामने वासा वाली टेंकी बन रही है। ये वासा वाली टेंकी का भी काम जारी है, तो जब ये टेंकी बन जाएगी तो लोगों को साफ पीने का जो पानी है मैसर हर घर में होगा, तो इसका भी काम आपको दिखाएंगे। वासा वाली टेंकी जो बन रही है तो यहाँ से आपको मनाजर ऊपर से दिखा रहा हूँ फ्लाईओवर की। ये देखें व्यूअर्स, नीचे काम हो रहा है और इसके स्पार्ट का काम हो रहा है, ये साथ ही रेलवे ट्रैक है और यहाँ पर सेफ्टी बैरियर्स भी लग जाएंगे जो रेलवे ट्रैक के साथ साथ जो सड़क के साथ साथ। तो अभी यहाँ पर ऊपर से जब ऊपर से आपको मनाजर दिखा रहा हूँ फ्लाईओवर के, ये देखें व्यूअर्स, यहाँ से अब्दुल्लापुर का फ्लाईओवर है, साथ ही उसके साथ GTA स्टेशन की तरफ जाने वाला फ्लाईओवर है। तो अब लोगों को बड़ी आसानी हो जाएगी, अब अब्दुल्लापुर फ्लाईओवर से जब किसी ने यू टर्न लेना उसको यू टर्न लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो सीधा सीधा ही तारिकाबाद फ्लाईओवर से जुमरा रोड की तरफ चला जाएगा। तो ये ट्रैफिक जो है अब रश भी नहीं पड़ा करेगा, लोग आसानी से ही जुमरा रोड की तरफ चले जाएंगे। जिस किसी ने जाना है निशाताबाद जाना है, मंसूराबाद जाना है, मेहंदी मल्ला जाना है या गोविंद जोन से भी इलाके में जाना है, तो लोगों को बड़ी आसानी हो जाएगी जुमरा रोड की तरफ जाने के लिए। तो आगे ये देखें व्यूअर्स, आगे ये यहाँ से यू टर्न लेना पड़ता था अब्दुल्लापुर से जब आते थे ना, तो यहाँ से यू टर्न लेकर जुमरा रोड की तरफ, यहाँ बड़ा रश पड़ जाता है। अब रश नहीं यहाँ बड़ा करेगा, अब यहाँ से लोग आसानी से फ्लाईओवर से आसानी से चले जाएंगे। ऊपर से आपको मनाजर दिखा रहा हूँ फ्लाईओवर के, बाकी भी आपको काम की सूचना दिखाते हैं। ये पेंट का भी काम साथ साथ हो रहा है, पोल भी लग रहे हैं, तो काम इसका दिन रात हो रहा है, 24 घंटे फ्लाईओवर का काम हो रहा है। तो उम्मीद है कि बड़ी इससे पहले पहले इसका काम कंप्लीट हो जाएगा, और ईद को भी अभी थोड़े टाइम रह गया, 4-5 दिन रह गए हैं, तो हो जाएगा इसका काम भी कम्प्लीट इंशाल्लाह ताला। तो आप देखें ऊपर से आपको मनाजर दिखा रहा हूँ काम। व्यूअर्स, स्पॉट का काम जारी है, आपको नीचे से भी मनाजर दिखाते हैं, तो आप मेरे साथ रहें, मैं आपको नीचे से मनाजर दिखाता हूँ स्पॉट के। ये सामने आप
व्यूवर्स आप देख सकते हैं, ये इंदिरा रोड वाली साइड से आप देखेंगे ट्रैफिक चल पड़ी है। ये देखें आगे, ये नीचे जो वर्क हो रहा है इसके ऊपर स्ट्रीट लाइट के जो खंभे हैं वो लगा रहे हैं यहाँ पर। तो आगे फ्लाईओवर है जी, फ्लाईओवर से ज़्यादा लोग आए आसानी से यहाँ से ट्रैफिक सकेगी। अब इस वार्ड का काम हो रहा है, आप मैं आपको मिलूँगा अगली वीडियो में। तो चैनल को ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फ्लाईओवर का कंप्लीट काम आपको दिखाएंगे।